हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप जो सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको ऐसे पढ़िए कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन करने पे आप फोकस करिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज इसी में मैंने बाल विकास और शिक्षण साथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका आंसर है डाल्टन को। तो अध्ययन की जो मापन विधि, मानसिक मापन विधि है, उसके जन्मदाता हमारे डाल्टन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली विधि के जन्मदाता है हमारे वुडवर्थ। थर्ड क्वेश्चन इज, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? तो इसका आंसर है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिसकैल्कुलिया। आप कैलकुलिया या कैलकुलेशन से गणित को याद करने की, इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कैलकुलिया को गणित से, कैलकुलेशन से। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो सृजनशीलता के पोषण के लिए कौन सी विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो आंसर है इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। हम जो भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि जब हम पैडागोजी या फिर साइकोलॉजी का पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, पर कुछ ऐसे हैं कि हमें इनको रटना ही पड़ेगा। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है कि आप कुछ भी कर लो, इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा। तो आपको कैसे भी करके इन्हें याद करना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। आप चाहें तो इन्हें कहीं पर नोट कर सकते हैं। छठवा क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स किस चिंतन से संबंधित है? तो आंसर इज अपसारी चिंतन। सातवा क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किंडरगार्टन, ये इस पे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो इसका आंसर है फ्राबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीखने का वक्र किसका सूचक है? सीखने का वक्र हमारा सूचक है सीखने की प्रगति का। नवा क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया था? इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, जो सारे सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर और वर्दीमर ने। इनको गेस्टाल्टवादी भी बोला जाता था, तो इसके प्रतिपादक थे कोहलर और वर्दीमर। टेंथ क्वेश्चन इज, कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? तो कौशल को सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसी तरीके से डेली डेली प्रैक्टिस करिए, 10 या 20 क्वेश्चंस डेली के आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे और बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप करते ही जाइए। पर ये जो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। 10-20 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड लक फ्रेंड्स।